बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक कोर चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर गैसेस वाले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके फार्मूलाज को जो है देखेंगे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें फार्मूला बेटा लगेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें हमें P1 भी दिया जाएगा, V1 भी दिया जाएगा और V2 भी दिया जाएगा। P2 हमने फाइंड आउट करना है इसके ए पार्ट में। अच्छा जी, बी पार्ट में क्या है कि यही फार्मूला होगा, सेम डाटा होगा, थोड़ी सी चेंजेस हैं। P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। यहाँ पे भी आपने बेटा P2 ही मालूम करना है। तो P2 इधर रहेगा, T2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसमें दो इसके जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। अब यहाँ पे इसके तीन पार्ट हैं। जस्ट आपने जो है वो पहले वाले पार्ट में जो है मीथेन जो है ना, जब मीथेन यूज करोगे तो मोलर मास जो है वो यहाँ 16 आ जाएगा। जब ऑक्सीजन यूज करोगे तो यहाँ मोलर मास हमारे पास 32 आ जाएगा। जब हाइड्रोजन यूज करेंगे तो मोलिकुलर मास 2 आ जाएगा। इसमें हमें ऐसे यूनिट्स में जो है वो इसका आंसर जो है निकालना है। तो जो मास होगा उसको आप केजी में जो है वो चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आप फार्मूला लगेगा P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। यहाँ आपने T2 निकालना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर चला जाएगा, ये यहाँ P1 V1 इधर आके आपस इधर आ जाएगा इसके नीचे, और T1 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर निकालना है ना, वो जो भी टेम्परेचर आप निकालेंगे उसको आपने सेंटीग्रेड में जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे कंडीशन दी गई है क्वेश्चन के कि आपने जो टेम्परेचर निकालना दैट शुड बी इन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ फार्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू NRT। अब P यहाँ प्रेशर है, V वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, R जनरल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। यहाँ आपको मॉलिकुलर मास निकालना है। तो हम जानते हैं ये जो N है स्मॉल N, ये मोल्स, मोल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। तो ये मोलर मास इधर चला जाएगा, PV इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो मोलर मास यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, ये फार्मूला लगेगा। P क्या है, P हमने यहाँ पे प्रेशर मालूम करना है, और NT टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी कि वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल मोल्स जो है वो आपने निकालने हैं। तो टोटल मोल्स मतलब यहाँ पे दो गैसेज जो है वो ली गई होंगी, दोनों के मोल्स को जो है यहाँ पे पहले निकालना है आपने, और इसके बाद फाइनली ये फार्मूला के अंदर पुट अप कर देना और आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के तीन पार्ट हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन का जो है फार्मूला लगेगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन बी की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन बी की डेंसिटी के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो R1 RA/RB की जगह पे आप आ जाएगा VA/VB। तो VB बेटा आपने मालूम करना है, तो VB एक साइड पर कर लें, बाकी दूसरी तरफ जो है चले जाएंगे। तो फाइनली आपने VB ही मालूम करना है, जो ब्रैकेट में लिखा है। तो ये फाइनल फार्मूला में आपने ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है, VB की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाले में जी, यहाँ पे आपने जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो सेम फार्मूला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू आपने निकालनी है, ये हाइड्रोजन तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट अप करें, इसका स्क्वायर रूट लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप हमारे पास है जी, हमने मोलर मास निकालना है अननोन गैस का। सेम फार्मूला, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो आपने मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ अननोन गैस एक तरफ आ जाएगा, तो ये इधर आके डिवाइड हो रहा होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के भी दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है जी, PV इज इक्वल टू NRT वाला फार्मूला लगना है। अब इसमें हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले आप ये इक्वेशन एन की वैल्यू निकालेंगे, एन बराबर आ जाएगा PV/NT। अब यहाँ पे आ जाएंगे मोल्स, इन मोल्स को आपने चेंज करना है मॉलिक्यूल्स में।
यहाँ मीथेन दिया जाएगा, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हम ये मॉलिक्यूल्स का जो आंसर आएगा, हम जानते हैं कि सी एच फोर यानी कि एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, इसके अंदर पांच एटम है, एक मीथेन के मॉलिक्यूल में पांच एटम है। अब ये जो पांच है ऊपर वाले मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे। सेम इज द केस ओवर हेयर, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन बराबर है पी वी ओवर आर टी, जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को जो है वो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर चार एटम्स हैं, अब जो आंसर ऊपर मॉलिक्यूल्स का है उसको चार से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये बेसिकली चैप्टर वन का फार्मूला है कि मोल्स और एवोगाड्रोस वाले जो रिलेशनशिप वाला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों या नंबर ऑफ एटम्स आयंस जो भी हों, और ये बराबर होता है मास और मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसके भी तीन पार्ट हैं, मतलब आपने जो है वो मास निकालना है, तो ये स्मॉल एम आपका इधर रहेगा, मॉलिक्यूलर मास जो नीचे डिवाइडर होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवोगाड्रोस उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। हमने मास निकालना है, बट क्या करना है कि जब हाइड्रोजन का मास होगा तो हाइड्रोजन के लिए हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 2, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 32 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखेंगे 44, बाकी सारी वैल्यूज जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेम ही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब एक छोटा सा सवाल है बस, कि यहाँ पे वो कहता है जी आपको उसने मोल्स भी देगा, आपको टेम्परेचर भी देगा, वॉल्यूम भी देगा, आपने प्रेशर मालूम करना है, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी ये फार्मूला है, तो पी इज इक्वल टू पी आपने निकालना है, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बी पार्ट ये वाला पार्ट था जब गैस जो है वो आइडियली बिहेव करती है, ये वाला था जब गैस नॉन आइडियली बिहेव करती है। नॉन आइडियल में आप वंडर वाल इक्वेशन लगाएंगे, पी प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी जो है वो आपने निकालना है, तो ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। ये थे आपके पास मोस्ट, ये जो है इसके जितने भी चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं ना, इनके जो फार्मूलाज हैं, यानी कि ये वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये चीज़ आपने मालूम करेगी, जिसको मैंने स्क्वेयर बॉक्स में लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपने चीज़ फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली ये फार्मूला होगा लेकिन मालूम आपने प्रेशर करना है इसी फार्मूला में, अरेंज करके यहाँ पे भी देखें जी ये फार्मूला लगना है और फाइनली मालूम आपने मैथ मालूम करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है सेम केस है, यानी कि जो जो बॉक्स में आपको चीज़ें नजर आ रही हैं ये मतलब आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, सभी बॉक्सेस में जो है वो आपने वो उस चीज को जो है निकालना है। ये सभी फार्मूलाज की एक दफा फिर जो है वो रिवीजन है, पी एन टी आर टी वी, ये आपके पास कैपिटल एम निकालना है आपने, फार्मूला ऊपर यही लगना है, यहाँ पे पी वी पी वन वी वन टी टू आपने यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे डेंसिटी ही निकालनी है, डी इज इक्वल टू पी एम आर टी तीनों सवालों के अंदर, और यहाँ पे जो है बॉक्स के अंदर पी टू जो है मालूम करना है। एक छोटी सी बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटा सा ट्रिक ये है कि आपने जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के बाद इसमें यूनिट्स की इंटरकन्वर्जन आपके लिए जो है इशू हो सकती है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला है कि जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को आपने जो है वो चेंज कर लेना है एटीएम में 760 पे डिवाइड करके, जो भी मास लिया जाएगा उसको आपने ग्राम्स में चेंज कर लेना है, जो भी टेम्परेचर लिया जाएगा उसको आपको केल्विन में चेंज कर लेना है, यानी कि सेंटीग्रेड है तो 273 उसमें ऐड करना है, अगर सेंटीमीटर क्यूब दिएगा जो कि सेंटीमीटर क्यूब ही दिएगा उसको डेसीमीटर क्यूब में 1000 पे डिवाइड करके चेंज कर लेना है। इसी तरह जो है वो अगर आपके पास एमएमजी है टॉर है उसको आपने एटीएम में चेंज करना है 760 पे डिवाइड करके, इस तरह ही सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।